22 मई 1991 की सुबह उत्तर प्रदेश के अपने गांव में मेरी राहुल गांधी से पहली बार मुलाकात हुई। सुबह का वक्त था, हमारे पड़ोस में रहने वाले पप्पू भाई साहब आए और बोले, चच्चू राजू गांधी को मर्डर हो गया है। उन्होंने आकाशवाणी के संस्कृत बुलेटिन में सुना था कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या हो गई है। पूरा देश, दुनिया अवाक रह गए। दोपहर तक टीवी पर राजीव गांधी के परिवार के लोग नजर आने लगे और तब मुझे पहली बार, मैं 7-8 बरस की उम्र का रहा हूंगा उस वक्त, राहुल गांधी नजर आए। घुंघराले से बाल, चश्मा लगाए एक अबोध सा बालक अपने पिता की चिता के पास खड़ा था। दूसरी बार राहुल गांधी से मुलाकात तब हुई जब वो अमेठी के सांसद बन चुके थे और उनकी मम्मी की हुकूमत में देश में यूपीए की सरकार चल रही थी। साल था 2007 और महीना था सितंबर का। राहुल गांधी एक स्टूडेंट रैली को संबोधित करने के लिए मेरे विश्वविद्यालय JNU आने वाले थे। मैं उन दिनों बतौर पत्रकार भी काम करता था और इसलिए उस रैली को कवर करने के लिए पहुंचा था। रैली के दौरान राहुल गांधी ने कुछ ऐसा कहा जिसको सुनकर मेरी कांग्रेस के प्रति तल्खी में कुछ कमी आ गई, क्योंकि ये पार्टी परिवारवाद की सबसे बड़ी पोषक थी। राहुल गांधी ने कहा कि ये जरूरी नहीं है कि जिस प्रोसेस के तहत एक गांधी परिवार जुड़ा होने के चलते मेरे लिए चीजें आसान रही हो, मैं सांसद बन गया हूं और पार्टी में महासचिव भी बना दिया गया हूं, तो वैसा ही प्रोसेस औरों के लिए भी अपनाया जाए। उन्होंने कहा यह भी जरूरी नहीं है कि कोई गांधी परिवार के नाम वाला व्यक्ति ही कांग्रेस की कमान संभाले। अपनी बात के समर्थन में राहुल गांधी ने मीनाक्षी नटराजन को आगे किया, जो लगातार संगठन में मेहनत करके आगे बढ़ी थी और 2004 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने मध्य प्रदेश की मंदसौर सीट पर बीजेपी के एक हैवीवेट नेता को हराया था और लोकसभा पहुंची थी। मीनाक्षी नटराजन के बारे में लुटियंस दिल्ली में कई किस्से चर्चित हैं, मसलन ये कि एक बार कांग्रेस की एक जरूरी मीटिंग में मीनाक्षी नटराजन लेट पहुंची। जब तक कोई उनसे पूछता देर से आने का सबब, वो पसीना पोंछते हुए खुद ही बोल बैठी, माफ कीजिएगा ऑटो जरा देर से मिला था। तो हमें लग रहा था कि मीनाक्षी नटराजन जैसे जमीन से उठे हुए कार्यकर्ता कांग्रेस का भविष्य बनेंगे, लेकिन कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग के बाद ये साफ हो गया कि जिस बात का अंदेशा बार बार जताया जा रहा था, हम लोग अक्सर यहाँ न्यूज रूम में कहा करते हैं कि साल में 4 बार सलमान खान की शादी और राहुल गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष बनने की खबर ना उठे तो अफवाहों का क्या मतलब है, लेकिन अब ये तय हो चुका है कि राहुल गांधी ही कांग्रेस का भविष्य होंगे। ये कैसा मुल्क है, ये कैसा लोकतंत्र है जहां पर एक परिवार की चाकरी करने के लिए एक पार्टी अभिशप्त है, वो पार्टी जिसके कंधों पर इस देश की आजादी का इतिहास अब सलीब की तरह टंगा हुआ दिखता है। जवाब आपको और मुझे देना है, कब तक ये छुपी हुई गुलामी जारी रहेगी। dillallantop.com पर हम सियासत के कुछ और किस्सों और सवालों के साथ फिर हाजिर होंगे। शुक्रिया।